आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। किसान समस्याओं को लेकर भागियों ने लगाई पंचायत, किसान संबंधित समस्याओं पर की गई समीक्षा। शुक्ल बाजार अमेठी ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद रावत व जिला संरक्षक देवी दयाल शर्मा के नेतृत्व में धरना दिया। धरना सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने और धान खरीद समय से चालू कराने, खरीफ की फसल बुआई हेतु सभी सरकारी गोदामों पर डीएपी भेजी जाए, धान खरीद केंद्रों से छोटे बड़े किसानों का धान क्रय किया जाए तथा बढ़ रही महंगाई पर सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने, विकासखंड शुक्ल बाजार में धान क्रय केंद्र व गेहूँ क्रय सेंटर सुनिश्चित किया जाए। अंत में कार्यकर्ताओं ने डीएम अमेठी को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपा। धरना को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष शेषनाथ तिवारी ने कहा कि सरकार की गलत नीति के कारण आज किसान व मजदूर तबके को भारी हानि हो रही है। किसान सबसे ज्यादा बेसहारा पशुओं से परेशान है, ये पशु किसानों की मेहनत से की गई खेती को चौपट कर रहे हैं, किसान व उसके परिवार के पूरे वर्ष का निवाला छीन रहा है। 10 सूत्रीय प्रमुख मांगों में पूरे पासिंग मजरे हुसैनपुर विकास खंड शुक्ल बाजार में राम प्रसाद रावत के दरवाजे से नहर पुलिया तक 200 मीटर खड़ंजा अत्यंत आवश्यक है, जिसके लगने से पूरे गांव को लोगों को सीधे सड़क पर पहुंचने में आसानी होगी। विकास खंड शुक्ल बाजार अंतर्गत ग्राम सभा अहमदपुर में पूरे लगाई तिवारी गांव को जाने हेतु कोई पुख्ता मार्ग नहीं है, जिसकी जांच कराकर अभिलंब खड़ंजा लगवाया जाए। शारदा सहायक खंड 28 सुबेहा रजवाहा 41 गेरावा रजवाहा की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाया जाए तथा विकास खंड क्षेत्र में 6 लाइन बन रही है, जिससे कस्बा सहित अन्य सड़कें गड्ढा युक्त हो गई है, जिसे विभाग द्वारा मरम्मत कराई जाए। पंचायत में ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद रावत, महिला प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष कुसुम, तहसील महासचिव अवधेश मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमेठी से असद हुसैन की रिपोर्ट।